खबर भदोही जिले से है, जहां पूर्व प्रधान को गोली मारकर घायल करने के मामले में क्राइम ब्रांच और सुरियावा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध तमंचा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल ग्राम प्रधान का वाराणसी में इस समय इलाज चल रहा है। सुरियावा थाना क्षेत्र के बनकट गाँव में पूर्व प्रधान संजय दुबे के बेटे से कुछ लोगों की पुरानी रंजिश थी। बीते सोमवार को दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसी दौरान संजय दुबे पर 315 बोर के तमंचे से फायर कर दिया गया। गोली लगने की वजह से पूर्व प्रधान संजय दुबे घायल हो गए, जिसको इलाज के लिए वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रकरण में पुलिस ने राहुल पांडे, अंकित दुबे और संदीप दुबे नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला थाना सुरियावा के ग्राम बनकट का है। यहाँ पर एक हिस्ट्री सीट है जो हमारा वांछित भी है, पूर्व प्रधान भी है, इसका नाम संजय दुबे है। और यहाँ पर जो 3 लड़के आपने देखे हैं जो पकड़े गए हैं, इनमें से एक राहुल पांडे है, एक संदीप उर्फ करिया और एक अंकित दुबे। तो दरअसल ये आपस में बच्चों की लड़ाई थी, जिसमें ये 3 लड़के और एक संजय दुबे का लड़का सुंदरम, तो इन दोनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से विवाद था। और इसी विवाद के चलते कल ये लोग, ये लड़के जो आप पकड़े गए हैं, ये सारे लोग पहुँचे थे सुंदरम के यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए। तो सुंदरम ने अपने पिता को फ़ोन किया, पिता कहीं पूरी खाने के लिए गए थे, तो वो जब रास्ते में लौट कर आए तो उनके बीच में फिर मारपीट शुरू हो गई। और इसी मारपीट में फिर गोली चली, और गोली चलने के बाद जो हमारा हिस्ट्री सीटर है संजय दुबे, वो घायल हुआ है और इस समय वो पुलिस की निगरानी में है और बनारस के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। और 307 में आपने देखा कि ये कट्टा भी बरामद किया गया है। और इनको गिरफ्तार करने में हमारी टीम, हमारे स्वाट प्रभारी बैठे हुए हैं यहाँ पर विनोद जी, और इसके अलावा हमारे जो एसओ है प्रदीप, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी रात में हम लोगों ने कोशिश की, मुकदमा लिखा गया और तत्काल ही इन लोगों को गिरफ्तार किया। सर, इसमें कंडीशन क्या है, जो जिनको गोली लगी थी को, तो कंडीशन क्या उसमें? इस समय वो एकदम स्वस्थ हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और पुलिस की निगरानी में वहाँ पर है, तो कंडीशन उनकी एकदम ठीक है। उनके ऊपर भी कुछ? सर, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर? वो चूंकि यहाँ पे उनका आपराधिक इतिहास लंबा है और वो हिस्ट्री सीटर भी हैं, तो उन पर काफ़ी सारे मुकदमे यहाँ पर पंजीकृत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।